एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने तीन अणुसंख्यक गुणधर्म को पढ़ लिया था। हमारा चौथा अणुसंख्यक गुणधर्म हमें जो पढ़ना है वो है परासरण दाब। तो दोस्तों, परासरण दाब से पहले हमें परासरण को समझना जरूरी है कि परासरण क्या होता है, और परासरण से पहले हमें अर्धपारगम झिल्ली का समझना जरूरी था। तो हमने अर्धपारगम झिल्ली को समझ लिया है, आज हम समझेंगे परासरण को। तो आइए दोस्तों, हम समझते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम मान लेते हैं यह एक कोई बीकर है। आपको दोस्तों यहाँ पर चित्र में बहुत अच्छे से समझना है, आपको पूरा परासरण दाब समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए मान लेते हैं दोस्तों, यह एक कोई बीकर है और इस बीकर में एक यह केशिका नली डूबी हुई है। तो ये मान लेते हैं दोस्तों, क्या है? एक केशिका नली। अब केशिका नली क्या होती है दोस्तों? केशिका नली एक पतली नली होती है, उस पतली नली को हम बोलते हैं केशिका नली। इसके बाद मान लेते हैं दोस्तों, जो एक बीकर है, इस बीकर में कुछ यहां तक एक विलायक भरा हुआ है। क्या भरा हुआ दोस्तों? विलायक। तो ये लिख दिया मैंने, क्या? विलायक। इसमें भरा हुआ है विलायक। और जो एक केशिका नली है, इस केशिका नली में बिलियन भरा हुआ है, और ये बिलियन दोस्तों यहां तक भरा हुआ है। क्या भरा है? यहां तक भरा हुआ। तो ये लिख दिया मैंने बिलियन। और इस जो केशिका नली है, इस केशिका नली में, इस केशिका नली में एक अर्ध पारगम झिल्ली लपेटी गई है। तो ये आपको डॉट डॉट में दिख रही है, ये मान लेते हैं क्या है? अर्ध पारगम झिल्ली। तो मैंने इस पूरी प्रक्रिया में क्या किया दोस्तों, कि जो बिलियन है उस बिलियन को अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा, ये देखो अर्ध पारगम झिल्ली है ना, तो इस बिलियन को अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा विलायक से अलग किया है। किससे अलग किया दोस्तों? विलायक से अलग किया है। तो दोस्तों, अब मैंने अलग करके रख दिया, लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा दोस्तों, जो विलायक के अणु हैं, वो विलायक के अणु धीरे धीरे करके इस बिलियन की ओर जाने लगेंगे, इस अर्ध पारगम झिल्ली को पार करने लगेंगे और इस बिलियन की ओर जाने लगेंगे। अब ये बिलियन की ओर जाएंगे इसके अणु, तो यहां से ये दोस्तों इसका प्रारंभिक तल था। कौन सा तल था? प्रारंभिक तल था। अब जैसे ही ये विलायक के अणु इस बिलियन की ओर जाएंगे, तो धीरे धीरे इसका तल बढ़ेगा। तो मान लेते हैं अंतिम इसका जो बिंदु आया है वह ये है। तो दोस्तों, ये इसका आया अंतिम बिंदु। क्या आया? अंतिम बिंदु। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि ये अपने आप प्रक्रिया हुई है। यहां पर इस प्रक्रिया को कोई ने स्टार्ट नहीं किया, हमने तो सिर्फ दोस्तों क्या किया था, ये एक बीकर लिया था, उसके अंदर क्या ली थी? एक केशिका नली ली थी। उस केशिका नली में हमने एक अर्ध पारगम झिल्ली बांध दी थी और इसको यहां पर लटका दिया था। तो कुछ देर बाद हमने क्या देखा दोस्तों, कि जो विलायक के अणु है, वो विलायक के अणु बिलियन की ओर अपने आप जाने लगे, जिससे जो केशिका नली है इसका तल क्या होने लगा दोस्तों? बढ़ने लगा। क्या? बढ़ने लगा। तो इस प्रकार से दोस्तों, जो परासरण की परिभाषा निकलती है, वो परिभाषा ये है कि जब बिलियन को, किसको दोस्तों? बिलियन को विलायक से अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा पृथक करके, अलग करके रखा जाता है, तो कुछ समय पश्चात विलायक के अणु बिलियन की ओर स्वतः प्रवाहित होने लगते हैं। क्या दोस्तों? स्वतः मतलब अपने आप प्रवाहित होने लगते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को, जो अपने आप प्रवाहित होते हैं ना, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं दोस्तों परासरण। क्या बोला दोस्तों मैंने? परासरण। इसके बाद दोस्तों, अगर हम इसकी दूसरी परिभाषा की बात करें, तो समझो दोस्तों इसकी दूसरी परिभाषा क्या है। अब यहां पर दोस्तों, एक ये बिलियन है और दूसरा है ये विलायक। अगर दोस्तों मैं इनमें दोनों में से बात करूं, कि बताओ आप इन दोनों में से किसकी सांद्रता अधिक है?
तो आप कहोगे सर बिलियन की सांद्रता अधिक है और विलायक की सांद्रता कम है। अब मैं बोलूंगा क्यों है ऐसा, तो आप कहोगे सर इस बिलियन में विलेय उपस्थित है। अब बिलियन में विलेय उपस्थित है तो जो सांद्रता होती है सर वो विलेय पदार्थ की मात्रा होती है, तो इसमें विलेय है तो इसकी सांद्रता अधिक है। अब दोस्तों मैं पूछूंगा विलायक की सांद्रता कम क्यों है, तो आप कहोगे सर ये विलायक है, सर ये विलायक है, इसमें विलेय नहीं है। अब विलेय नहीं है तो सांद्रता कहां से होगी, क्या होगी आप खुद बताओ, क्या सांद्रता इसमें होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इसमें विलेय ही नहीं है तो सांद्रता इसकी होगी ही नहीं। तो इसकी सांद्रता होगी दोस्तों कम और इसकी सांद्रता क्या होगी अधिक, क्या होगी अधिक। तो इसकी दूसरी परिभाषा दोस्तों क्या है कि जब अधिक सांद्रता वाले विलयन को कम सांद्रता वाले विलयन, अब कम सांद्रता वाला विलयन क्या है विलायक है और अधिक सांद्रता वाला विलयन क्या है ये विलयन है, तो क्या हो गया जब अधिक सांद्रता वाले विलयन को कम सांद्रता वाले विलयन से अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा पृथक करके रखा जाता है, पृथक करके रखा जाता है, तो कम सांद्रता वाले विलयन से, कम सांद्रता वाले विलयन से, या फिर बोल सकता हूं मैं विलायक, तो कम सांद्रता वाले विलायक से अणुओं का प्रवाह है अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः होने लगता है, अपने आप होने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम दोस्तों बोलते हैं परासरण, ऑस्मेटिक। दोस्तों जो परासरण होता है वह दो प्रकार का होता है, एक होता है वाह परासरण, एक होता है अंतः परासरण। तो आइए इनको हम समझते हैं। तो दोस्तों एक होता है वाह परासरण, परासरण, और दूसरा होता है दोस्तों अंतः परासरण। अब हम इनको समझ लेते हैं। दोस्तों जो बाह्य परासरण, वह परासरण होता है जिसमें अंदर से जो परासरण की क्रिया अंदर से बाहर की ओर होती है। क्या बोला दोस्तों, वाह्य परासरण ऐसा परासरण होता है जिसमें परासरण की क्रिया अंदर से बाहर की ओर होती है। इसका उदाहरण दोस्तों क्या होता है, जब हम अंगूर को नमक के विलयन में डालते हैं, किसमें डालते हैं, नमक के विलयन में डालते हैं, तो जो अंगूर होता है वह पिचक जाता है। अंगूर कैसा दोस्तों, बिल्कुल फूला हुआ होता है, और यदि इस अंगूर को मान लेते हैं ये नमक का विलयन है, इस नमक के विलयन में अगर हम डाल देंगे दोस्तों तो जो अंगूर है ना बिल्कुल वो पिचक जाएगा इस प्रकार से। तो हम कह सकते हैं कि जो अंदर से जो क्रिया हुई है वो बाहर की ओर हुई है, क्योंकि अंगूर का जो अंदर का मटेरियल है वो बाहर आ गया, तभी तो वह पिचक गया। तो ऐसा परासरण जिसमें जो परासरण की क्रिया अंदर से बाहर की ओर होती है उसे हम कहते हैं बाह्य परासरण। ऐसा ही दोस्तों अगर जो अंडा होता है उस अंडे को भी हम नमक के विलयन में डाल दें तो वो भी पिचक जाता है। तो यह है दोस्तों हमारा बाह्य परासरण। दूसरा परासरण है दोस्तों अंतः परासरण। दोस्तों जो अंतः परासरण होता है वह ऐसा परासरण होता है जिसमें परासरण की क्रिया बाहर से अंदर की ओर होती है। क्या बोला दोस्तों, बाहर से अंदर की ओर होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल, अगर दोस्तों हम किशमिश को खीर में डालते हैं या पानी में ही डाल देते हैं तो क्या होता है दोस्तों, वह किशमिश हम देखते हैं कि कुछ समय बाद फूल जाती है। तो किशमिश को खीर में, दूध में या फिर पानी में डालने पर वह फूल जाती है। क्यों फूल जाती है, क्योंकि जब हम किशमिश को दूध में डाल देते हैं तो वो दूध बाहर से अंदर की ओर किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाता है और वह फूल जाता है। तो बाहर से अंदर की जब ओर होगी परासरण की क्रिया तो उसे हम बोलेंगे अंतः
परासन। दूसरा एग्जाम्पल हम चना का देखते हैं। दोस्तों हम चने को अगर पानी में डाल देते हैं, अगर रात में हमने पानी में डाल दिया तो सुबह हम देखेंगे चना फूल जाता है। तो क्या होता है दोस्तों कि जो जो हमने पानी में डाला है वह पानी चने के अंदर चला जाता है, मतलब बाहर से अंदर की ओर हो रहा है ना, तो ये जब बाहर से अंदर की ओर क्रिया होगी तो होगा अंतः परासरण। तो इसके एग्जाम्पल क्या हुआ दोस्तों, किशमिश का फूलना, चने का फूलना, ये हमारा हुआ परासरण। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये परासरण समझा है। तो आगे हम इसको समझते हैं। तो इसकी परिभाषा है, विलयन को विलायक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करके रखा जाता है, तब विलायक के अणुओं का विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। अथवा दूसरी परिभाषा को भी मैंने समझा दिया है। दूसरी परिभाषा है, अधिक सांद्र विलयन को कम सांद्र विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करके रखने पर कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र वाले विलयन की ओर अणुओं का स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। इन सबको मैंने समझा दिया दोस्तों। ये परासरण होता है दो प्रकार का होता है, यह भी मैंने बता दिया। एक होता है बाह्य परासरण। तो बाह्य परासरण वह परासरण होता है जब परासरण की क्रिया अंदर से बाहर की ओर होती है, जैसे अंगूर का पिचकना। दूसरा है अंतः परासरण। अंतः परासरण क्या होता है, जब बाहर से अंदर की ओर क्रिया होती है दोस्तों, तो उसे हम कहते हैं अंतः परासरण, जैसे किशमिश का फूलना, चने का फूलना। दोस्तों यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात, यदि आपको लिखित नोट्स या पीडीएफ चाहिए है तो दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम चैनल, आपको टेलीग्राम डालोगे तो वहाँ टेलीग्राम आ जाएगा, उस टेलीग्राम को आपको अपलोड करना है। इसके बाद उसको दोस्तों अपने ऐप के तौर पे बना लेना है और उसमें दोस्तों आप गणेशाय वर्ल्ड सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। आपको दोस्तों कैपिटल जी लिखना है, स्मॉल ए एन ई एस एच ए और ट्रिपल वाई, इसके बाद दोस्तों स्पेस देना है और फिर लिखना है डब्ल्यू ओ आर एल डी। आपको दोस्तों ये लिखना है तो यहाँ पर ये आ जाएगा और दोस्तों उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अब जैसे ही ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों तो आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे। तो इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से जो भी पीडीएफ या शॉर्ट नोट्स, आपको इस प्रकार के नोट्स डालूंगा तो वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आप आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।